नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल वी एंड गार्डनर में एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो का विषय वही रहेगा, बेस्ट ऑर्गेनिक वेजिटेबल तर्डी के बारे में। और इस बार जो मेरे पास तर्डी का बीज है वो बिहार से मेरे दोस्त ने भेजा है, विवेकानंद चौरसिया जी ने। और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, इसलिए मैं जो है इसको नीचे जो है रोक नहीं लगाऊंगा और थोड़ी और चीज़ें इसमें एडिशन करूंगा ताकि जो इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपने मेरे पास उन्होंने 8 बीज भेजे हुए हैं और उसको मैं इस एरिया में यहाँ पर लगाऊंगा। तो दो चीज़ें मैंने एडिशन करनी है इसमें, एक तो जो गोबर की खाद है उसको ऐड करना है, और दूसरा मैंने सिल्ट इसके मिट्टी में जो है इसको मिला देना है। तो इस तरीके से जैसे मैंने गड्ढा अभी बनाया हुआ है तो इसके अंदर मैं रेत डालूँगा इस तरीके से, उसके बाद गोबर की खाद, इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने मिट्टी इस गड्ढे से निकाली है। अब मैं अपनी सहूलियत के लिए जो यहाँ की मिट्टी है इसको इस तरफ डालता जाऊँगा, और ये मिट्टी जो है लास्ट जब मैं उस कोने पर पहुँचूँगा तो इस मिट्टी को उसके अंदर डाल दूँगा इस तरीके से। और इसके बाद फिर से रेत, फिर गोबर, दोस्तों रेत मिलाने का मकसद इसमें यह है कि मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी। और नाल से जो है पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे। और गहरी मिट्टी खुदाई करने का ये फ़ायदा होता है कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर की मिट्टी है वो नीचे चले जाएगी, यानी मिट्टी में जो उर्वरकता है वो बनी रहेगी इससे। इस तरीके से जो है ये साइड तैयार हो चुका है तर्डी के लिए। जो रेत अभी इसमें लाई है उसको भी आपने बाद में इस तरीके से मिट्टी से मिला देना है। अब इस मिट्टी में जो है पोषक तत्व भी मिल चुके हैं और भुरभुरी करने के लिए रेत भी मिला दिया है। जो आपके पत्थर होंगे उनको भी अलग हो जाते हैं इस तरीके से, पहचान के लिए मैंने जो है यहाँ पे डंडे भी लगा दिए हैं। डंडे की सीध में ही मैं इनको लगाऊंगा और तकरीबन 1 फीट का गैप है। अब
ताकि बीच में देखा जा सके कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। आपने जो बीजों को लटाना है इस तरीके से, अगर ऐसा बीज है आपका तो आपने इसको ऐसे नहीं बोना है और ऐसे ज़मीन में लटा देना है। इस तरीके से, और बाद में आपने इसको और ये प्रोसेस पूरा हो गया है। और इसमें और अधिक बेहतर किया जा सकता है, तो अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग सुझाव होंगे तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। और अगर कोई क्वेरीज है जो आपको लगता है कि मैं उसके उत्तर आपको दे सकता हूँ तो भी बेझिझक कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।